दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लाए हैं, कुछ आपके लिए नहीं है, बच्चों के लिए लाए हैं। जो बच्चे उसे खाकर हो जाते हैं खुश, तो हम बच्चों के लिए बनाएंगे कुछ खास रेसिपी। उस रेसिपी को देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम आपको अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और वीडियो एंड तक आप देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो हम बच्चों के लिए क्या रेसिपी लाए हैं, कुछ खास ही है इसलिए आपको बता रहे हैं, और आपके लिए हमने वीडियो बनाया है। तो अपने बच्चों को आप घर में खुश करने के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो बच्चे थोड़े से माइंड उनका लूज़ हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो हम बच्चों के लिए लाए हैं कुछ खास रेसिपी, आप ज़रूर घर पर बनाइए, देखिए, और चलते हैं रसोई की तरफ, और हम भी आपको बनाकर दिखाते हैं। तो मैंने अब मैदा ले ली है, मैदा लगभग एक कटोरी होगी, क्योंकि हम थोड़ी ही बनाकर देखेंगे। और मैंने इसमें डाल लिया है डालडा तेल, अब इसमें डालकर हम इसमें डालते हैं नमक, अजवाइन भी डालते हैं, पहले अजवाइन डाल लेते हैं, नमक भी डालना है इसमें। तो नमक डाल लिया है, और अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, इसमें डाल लेंगे हम अब लगभग एक चम्मच बेकिंग सोडा, जो कि पैकेट में आता है, और इसे डालकर हम अच्छी तरीके से मार लेंगे। मैदा अब गूंदकर हमारी तैयार हो गई, अब इसको हम रख देते हैं 5 मिनट के लिए, तब तक रेस्ट करेगी। और अब हम डो को तैयार कर लेते हैं। मैंने आलू ले लिए हैं, आलू उबाल कर छील कर रख लिए थे, हरी मिर्च और एक खटाई पाउडर, और हींग भी रखी चम्मच में, जीरा है, और चाट मसाला भी अभी निकाल लेंगे, मिला नहीं था मुझे, ढूंढा मैंने तो डिब्बा कहीं रख कर भूल गए थे, तो मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पर। और अब इसमें सारी सामग्री हम डालेंगे, पहले तेल डाल दिया, जीरा भी डाल दिया, सब सामग्री, और आलू को हम महीन महीन सा फोड़ लेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करना आलू को, थोड़ा सा हल्का मोटा ही रखना है, थोड़ा सा आलू को फोड़ते। अच्छी तरीके से आलू को महीन महीन बारीक से कर लेंगे, और तब तो कढ़ाई में मैंने डाल लिया, आलू भी मल लिए, अब धनिया है, गरम मसाला है, मिर्च है, हरी मटर है, खटाई पाउडर है, और अभी चाट मसाला बाकी बचा, नमक भी है चाट मसाला की, जब भी कहीं खो गई है तो मैं उसे ढूंढ कर डालूँगी इसमें। तो मैंने कढ़ाई में रख दिया, जीरा मिर्च वगैरह सब डाल दिए मसाले मैंने, हल्दी ऐड नहीं की इसमें, हल्दी वगैरह नहीं करना, तो खाली बगैर हल्दी के ही हम इस डो को बनाकर तैयार करेंगे। और इसमें चाट मसाला भी डालेंगे, अभी मैं जो पैकेट था वो खो गया है, मैं इसको ढूंढ कर डालूँगी, आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। और सामग्री डालकर अब हमारा डो है जो बनकर रेडी होने वाला है, इसको चलाते रहे लगभग 5 मिनट के लिए, इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाए और करारापन भी आ जाता है उसमें। तो रेडी हो गया है, अब इसमें सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, इसको सिर्फ चलाना ही है। और मटर तो रह ही गई थी, उसको भी भूल जा रहे थे, तो मटर डाल दिए और रेडी हो गया, बनकर तैयार हो गया। अब इसे ठंडा करने के लिए हम इसको परोस कर रख देंगे प्लेट में। तो हमने मैदा को 5 मिनट निकाला, तो मैंने अब इसमें लोइयाँ बेल ली हैं, पूड़ी जैसी हल्की हल्की लोइयाँ बेलते हैं, जैसे पूड़ी बेलते हैं आटे की, ऐसे मैंने लोइयाँ को बेल लिया है। अब इसको करेंगे हम कट, अब इस कट करना होता तो मैंने इसमें 3 कट लगा लिए हैं, छोटे बिल्कुल लगाने, ज़्यादा नहीं लगाना कट, जिससे कि हमारा जो डो इसमें भरेंगे वो निकल जाएगा और सारा ही ऑयल ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें कट थोड़ा सा कट लगाएंगे, 3 कट लगाने हैं। और अब इसको हम पलट लेते हैं, इसे पलट कर हम इसका थोड़ा सा इसे बंद करते हैं, देखो आपको दिखा रहे हैं बारीकी से, तो इस तरीके से हम भरकर तैयार करते हैं। और तो मैंने टॉफ़ी बनाकर तैयार कर ली है, इसे बच्चों के लिए टॉफ़ी बोलते हैं, आलू की टॉफ़ी,
तो छोटे बच्चे जैसे टॉफ़ी खाते हैं वैसे इस तरीके से मैंने उसे सेव दिया है। बच्चों की टॉफ़ी इधर है, जैसे बच्चे आसानी से पकड़ के इसे खा सकें। इसे मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं या नमकीन जो चटनी हरी धनिया को इससे भी आप खा सकते हैं। जैसे आपके बच्चे खाना पसंद करें आप उससे वैसे ही उनको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से भर लिया, आपको बहुत ही बारीकी से हम वीडियो के ज़रिए दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से भर के मैंने इसको रख दिया। कितना ही अच्छा लग, कट इसमें 3 कट लगे हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कट लग गया था। तो इसमें ऐसे करके हम बनाते हैं। और तेल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, और जब तक हमने टॉफी बनाई थी, और टॉफी बनाकर रेडी कर ली हैं। गैस को मैंने हल्का कर दिया है क्योंकि घी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी कढ़ाई, जो मैंने हल्का कर लिया उसको। अब इसमें डालते हैं टॉफियां बनाई हुई, मैंने 5 टॉफी बनाकर तैयार कर ली हैं। और टॉफियां हैं तो टॉफी ही हैं जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए घर पर ऐसे बनाकर उनको खिला सकते हैं, जिससे कि बच्चे हमारे जो बहुत खुश हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा उनका जो माइंड होता है बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा भी हो जाता है। बच्चे को जितने टॉफियां मतलब ऐसे बना के खिलाओ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। हमारे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, पसीना भी कितना आ रहा है, लेकिन बच्चों की फरमाइश है वो तो पूरी करनी है मम्मी को। तो टॉफियां 2 मिनट बाद सारी बनकर देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, ब्राउन ब्राउन सा कलर आ रहा है। उसका कट है जो उसके अंदर कट के बाहर से जो आलू का मतलब डो दिख रहा है वो एकदम वो भी तल गया है, करारा करारा सा हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं बहुत ही ज़्यादा। और क्या हम बताएं आपको, कहकर आप खुद ही घर पर बनाकर खाना, इस तरीके से बच्चों को खिलाना तो बच्चे आपके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आलू की टॉफियाँ बनकर हो गई रेडी, तो आपके लिए लाई हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया बनी है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, और इनकी जो अंदर डो भरा है वो भी कितना अच्छा लग रहा है, जल सा थोड़ा मतलब करारा करारा सा हो जाता है। तो आप इसे मीठी चटनी के साथ सर्व करिए, बहुत ही अच्छी लगती है। नमकीन चटनी भी आप इसमें खा सकते हैं, बच्चों को बहुत। ये तो कितनी अच्छी करेंसी हो गई है, और कितने अच्छे मैंने आपको मतलब दिखाया भी है इसमें वीडियो में। तो आप इसे मीठी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती हैं, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। ये बच्चों की सौदा है, और बच्चे इसे खा सकते हैं। चटनी में भी गिर पड़ी थी तो चटनी लगा कर भी दिखा दिया है, तो बहुत ही अच्छी लगती है बच्चों के लिए। या बड़े भी खा सकते हैं, और नाश्ते में कोई वजह उसे भी आप रखें तो बहुत ही अच्छी लगती है देखने। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलो, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, जिससे कि उनके पास भी हमारे चैनल की जानकारी पहुँच सके। और टॉफी कैसी बनी है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और बच्चे कैसे खुश हुए वो भी बताना, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपको हमारी टॉफियाँ कैसी लगी हैं। तो तब तक के लिए हम चलते हैं और करते हैं बाय बाय, और मिलेंगे अगले वीडियो में।